अयोध्या प्रधानमंत्री की आयुष्मान योजना के द्वारा आज अयोध्या जनपद में आयुष्मान भारत दिवस व जगत हॉस्पिटल से जन जागरूकता रैली निकाली गई। वहीं रैली का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरिओम श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर किया। वहीं आयुष्मान योजना रैली में अस्पताल के निदेशक डॉक्टर एस एन द्विवेदी, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर विजय कुमार, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व सचिव डॉक्टर प्रभात दत्त त्रिपाठी, बाल विद्या मंदिर के संस्थापक मदन मोहन त्रिपाठी तथा जगत अस्पताल जगत चैरिटेबल ट्रस्ट की मुख्य ट्रस्टी श्रीमती सिमी द्विवेदी और आयुष्मान भारत योजना के पदाधिकारी व जगत अस्पताल के सदस्य व कर्मचारी रहे मौजूद। रैली में स्कूली बच्चों ने आयुष्मान जागरूकता रैली निकालकर लोगों को जागरूकता कराया। वहीं समापन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर विजय कुमार ने बच्चों को फल वितरित किया। चिकित्सा अधीक्षक के पास पर्याप्त बजट है, उनको निर्देशित किया गया है कि एलपी के माध्यम से जो दवा नहीं हो उपलब्ध कराएं, और हमारा कारपोरेशन है बना हुआ लखनऊ में, वहां से शीघ्र ही दवा उपलब्ध हो जाएंगे। जो मरीजों को दिक्कतें हो रही हैं, दिक्कतों को कब लाभ मिलेगा उनको? ये वहाँ के प्रमुख अधीक्षक को हम भी पत्र से कह देंगे कि अपना जो एलपी के माध्यम से अधिक दवा खरीद लें, क्योंकि इस समय संचारी रोग चल रहे हैं, उनको लाभान्वित करना है। हम कह रहे हैं कि इस योजना के प्रचार प्रसार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठाएं, इसलिए सरकारी और गैर सरकारी सभी लोग बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं। और हम समय के साथ ये देख रहे हैं कि लगभग 200 ऑपरेशन मैं खुद कर चुका हड्डी के, और अब उस टाइप के केसेज आ रहे हैं जो कई कई सालों से नज़रअंदाज पड़े हुए हैं, पैसे के अभाव में इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। अभी तो मैंने एक इलाज किया कि जिसकी 4 साल से हड्डी जुड़ी नहीं, वैसे बेचारा पड़ा हुआ है, उनका ऑपरेशन मैंने किया, अभी भी बिस्तर पर पड़ा हुआ है मरीज। तो ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केस आ रहे हैं, कभी कभी तो ये सोचना मुश्किल हो रहा है कि इस तरह इलाज करने से इनका ठीक भी होगा कि नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा योजना को उनको लाभ दिया जाए। और हम लोग बाहर गांव में कैंप लगा लगा के गोल्डन कार्ड बनवा रहे हैं, सरकार के साथ हम लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं और जनता भी इसमें सहयोग कर रही है, इसीलिए स्कूली बच्चों ने साथ दिया, स्कूल के टीचर्स ने साथ दिया, हम उन सब के आभारी हैं। कितने लोगों ने आपका ट्रीटमेंट कराया और कितने गोल्डन कार्ड? तो काफ़ी बन चुका है, उसकी संख्या हम नहीं बता पाएंगे, वो तो कई हज़ारों में बन गया है, लेकिन 200 लोगों का लगभग इलाज मैं कर चुका हूँ, ऑपरेशन कर चुका हूँ 200 लोगों का। अस्पताल के लोग पूरा सहयोग करते हैं। अस्पताल में हमारे ये धर्मेंद्र तिवारी जी हैं, गौरव कुमार जी हैं, गौरव कुमार जी हमारे आयुष्मान के संयोजक हैं हमारे अस्पताल के, इसके बाद पंकज श्रीवास्तव जी हैं, हमारी मिसेज खुद ही इसमें काफ़ी सहयोग करती रहती हैं, तो हम लोग पूरा कोशिश ये करते रहते हैं, राजू जी हैं, छोटे लाल जी हैं, तो सब कोशिश करते रहते हैं कि आए हुए मरीजों को किसी तरह की दिक्कत ना होने पाए और उनको पूरा का पूरा योजना का लाभ मिले। जनता से क्या अपील करते हैं? जनता से अपील करते हैं कि जनता ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताए, खासकर वो गरीब तबका जिसको इसका नॉलेज नहीं है, अनपढ़ है, नहीं जानती है,